जय साथियों, एनसीईआरटी गणित सीरीज में आज हम लोग एनसीईआरटी की गणित कक्षा 6 एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है संख्याओं के साथ खेलना। वैसे नाम तो इसका संख्याओं के साथ खेलना, लेकिन आज के सेशन में हम लोग गुणज और गुणनखंड के बारे में चर्चा करेंगे। इससे जुड़े हुए उन महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे जो बेसिक गणित के लिए जरूरी और महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी की सीरीज आपके लिए अहम और महत्वपूर्ण है और आप इस सीरीज के पूरे अंत तक बने रहिएगा। जहां समझ में नहीं आए कमेंट करिएगा। क्लास खत्म होने वाली इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ऐप पर जाकर पढ़ भी सकते हैं। मेरे द्वारा क्लास पूरी तरह से आप सभी के लिए निशुल्क है, देश हित में राष्ट्र हित में। मैं हमेशा आपके लिए जब भी मुझे समय मिलता है मैं निशुल्क क्लासेस लेकर आता रहता हूं। पहला टॉपिक है गुणज, जिसे हम मल्टीपल के नाम से जानते हैं। तो आपके मन में आएगा सर, ये गुणज मल्टीपल का क्या मतलब होगा? तो इसको सबसे समझिएगा, गुणज का मतलब है पहाड़ा। जैसे टेबल से 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8, 2 5 10। तो जो टेबल होता है, जो पहाड़ा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल कहते हैं, उसी को हम यहाँ गुणज कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख रहे हैं, ब्रैकेट एक बॉक्स में दिया हुआ, इस बॉक्स के एग्जांपल से इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। अब जैसे यहाँ पर क्या दिया है, 3 × 1 माने 3 1 जा 3, फिर 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो ये टेबल और इसी को हम क्या कहते हैं, गुणज कहते हैं। इसी को हम मल्टीपल के नाम से जान रहे हैं और इसी तथ्य को हम लोग को पढ़ना और इस सीरीज में, इस सेशन में डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। और यहाँ पे देखिए, बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को हम गुणा कहते हैं, ये भी हम जानते हैं। अब 2 1 2, 3 1 3 का मतलब क्या होता है, 3 × 0। फिर 3 में 3 जोड़ दीजिए, ठीक है। फिर 3 को 3 बार अगर गुणा करना, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इसी को हम कहते हैं पहाड़ा और इसी को हम कहते हैं मल्टीपल। अब यहां पर हम इस चीज को और अच्छे से जानेंगे, और अच्छे से समझेंगे। ये कह रहा है किसी संख्या की गुणज उसके गुणकों के रूप में होंगे, मान उसके गुणक के रूप में होंगे। जैसे कि मैंने ऊपर अभी आपको बताया, किसी भी संख्या के गुणनखंड या तो उस संख्या के बराबर होंगे या फिर उससे बड़े होंगे। जैसे अगर किसी संख्या के, अगर हम गुणनखंड की बात करें, एक एग्जांपल हम 3 का ही लेते हैं। जैसे यहाँ पे था 3 3 6 9 12 15 18 21। अब हम इसकी बात करें तो 3 का जो गुणज होता है, जो सबसे छोटा गुणज होगा, वह स्वयं संख्या होगी, उससे छोटी हो ही नहीं सकती। मतलब 3 से छोटी हो नहीं सकती। वह यही कह रहा है कि वह संख्या के बराबर होंगे फिर उससे बड़े। अब संख्या बराबर हो गया या उससे बड़े होंगे, 3 से जितने हैं सब बड़े हैं, 3 से छोटा हो ही नहीं सकता। तो किसी संख्या का जो गुणज है वो अनंत होता है और जो सबसे छोटा गुणज होता है वह संख्या के बराबर या स्वयं संख्या होता है। यह याद से 7 का है तो केवल 7 होगा। सबसे छोटा जो होगा स्वयं संख्या होगा या संख्या के बराबर होगा, बाकी सब उससे बड़े होंगे। तो किसी भी संख्या का जो गुणज हो की संख्या वो अनंत होती है, कितना भी आप ले जा सकते हैं, जितना आप ले जा सकते हैं। अगर 5 के गुणज की बात करें तो 5 गुणज क्या होंगे, अनंत होंगे, लेकिन सबसे छोटा जो होगा स्वयं संख्या या संख्या के बराबर अर्थात 5 होगा। 5 × 5 5 × 10 5 × 15 n बार, ये n बार डट बढ़ता जाएगा। 8 के गुणज की बात करें, आप देख रहे हैं n बार। तो मैंने इन गुणजों की संख्या अनंत होती है, जो सबसे छोटी होती है वो स्वयं संख्या या संख्या के बराबर होती है। सम हो, विषम हो, भाज्य हो, भाज्य हो, किसी भी संख्या का गुणज हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसा कि मैंने एग्जांपल 3 का दिखाया, 7 का दिखाया, 5 का है, 8 का है, 6 का हो गया, 6 × 12 हो गया, 18 हो गया, 24 हो गया, डट अनंत। अनंत कह सकते हैं, n बार कह सकते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट ही समझना है, एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट समझने पर ही जोर देता है। अब यहाँ 3 के गुणज हमने देख लिया, यहाँ पे 3 के गुणज कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गुणजों के बारे में दिया, 7 नहीं 8 गुणज, 8 + 24 है ना। अब देखिए, 0 रेख को छोड़कर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे अगर नोट्स बना रहे तो लिख लीजिएगा, साथ में अगर नोट्स बना रहे हैं और लिखते हुए चल रहे तो इसे लिख लीजिएगा। 0 और 1 को छोड़कर सभी संख्याओं के गुणज अनंत होते हैं। 0 और 1 को छोड़ दिया जाए, क्योंकि 0 में किसी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 आएगा और 1 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। तो 0 और 1 को छोड़ दिया जाए तो जितनी भी संख्याएं दुनिया में होती हैं, सबके जो गुणजों की संख्या होती है, जो मल्टीपल की संख्या होती है, वो जो पहाड़ों की संख्या होती है, टेबल की संख्या होती है, वो अनंत होती है। एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, एक प्रश्न भी आपको तैयार हुआ मिल गया। तो 0 और 1 को छोड़कर सभी संख्या गुणक क्या होते हैं,
अनंत होते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था, इनकी संख्या अनंत होती है। अब हम पढ़ेंगे गुणनखंड। गुणनखंड एक तरह से देखा जाए तो गुणज का ठीक उल्टा है, मल्टीपल का ठीक उल्टा, इसे फैक्टर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। आइए इस फैक्टर पर भी ध्यान आपका ले चलते हैं और फैक्टर पर भी बात करते हैं। जैसे 24 की अगर फैक्टर की बात करें तो 24 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, जैसे आप कहेंगे, आगे हम ले चलते हैं। यहाँ पे देखिए 24 को 6×4 है, 6 को 3×2 लिख सकते हैं, 4 को 2×2 लिख सकते हैं। तो द प्राइम फैक्टर फॉर 24 आर 3×2×2×2 है। तो किसी संख्या के ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझाना क्या चाह रहा है, किसी संख्या को अन्य संख्याओं से गुणनफल प्रोडक्ट के रूप में तोड़ने की क्रिया को क्या कर सकता है, किसी भी संख्या को अन्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में तोड़ने की क्रिया को गणित में गुणनखंड कहते हैं। किसी भी संख्या के गुणनखंडों को परस्पर गुणा करने पर वह मूल संख्या पुनः प्राप्त हो जाती है। जैसे ऊपर हम लोगों ने 24 का एग्जांपल देखा कि 24 के गुणनखंड हो सकते हैं। 24 को हमने क्या देखा, पहले से डिवाइड किया गया 6×4 में, फिर 6 को डिवाइड किया गया 2×3 में, फिर इसको डिवाइड किया गया 2×2 में। अब 24 का जो प्राप्त हुआ वो कुछ इस तरह से प्राप्त हुआ। देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका 24। कैसे, मैं अगर अपने पेन से लिखूं तो 24 पहले क्या मिला, लास्ट में क्या मिला, 2×3, 2×3×2×2। इसका जो गुणनफल होगा वो 24 होगा। मतलब एक बात ये समझ में आ गया, किसी भी संख्या का जो गुणनखंड होता है उसकी संख्या लिमिटेड होती है और गुणजों की संख्या अनलिमिटेड होती है, अनंत होती है। ठीक, इसमें एक निश्चित है कि इससे ज्यादा इसके गुणनखंड नहीं हो सकते। तो एक लाइन में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जैसे 1260 का था तो 1260 को कैसे तोड़कर निकाला गया, 1260 में पहले तोड़ा गया 10 और 126 को, 10 को तोड़ा गया 2×5 में, 126 को तोड़ा गया 18 और 7 में, 18 को तोड़ा गया 2 और 9 में, फिर 9 को तोड़ा गया 3×3 में। इस प्रकार इसका जो गुणनखंड प्राप्त हुआ वो 2×5 यहाँ प्राप्त हो गया, यहाँ पे 2 प्राप्त हो गया, यहाँ पे 2×7 प्राप्त हो गया, 9 को फिर तोड़ा गया है 3×3 में, 3×3। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1260 को हम इतने गुणनखंड के रूप में प्राप्त कर सकते थे। तो ये तोड़ तोड़ कर आपने यहाँ पे देखा कि किसी संख्या को अन्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में तोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, गणित में गुणनखंड कहते हैं। किसी भी संख्या के गुणनखंडों के परस्पर गुणा करने पर स्वयं वो संख्या प्राप्त, अगर आपस में गुणा करेंगे ना तो स्वयं संख्या 1260 प्राप्त हो जाएगी। 5×2 = 10, 2×9 = 20, 7×3 = 40 होते हैं 42 और 42×3 = 1260। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ तक सीरीज को थ्योरी को पढ़ लिया। अब यहाँ पर वही दिखा दे रहा, अब यहाँ पे कह रहा है कि 3 का एक गुणनखंड हुआ, 4 के 2 गुणनखंड है, अतः यहाँ 4 के गुणनखंडों की संख्या 4 होगी। कैसे होगी, आइए इसको भी हम देखते हैं। 5 के गुणनखंड 1×5 है, 10 के 2×5 है, 1×10 है। 10 के गुणनखंड की बात करें, देखिए मैं इसको भी समझाने का फिर से प्रयास करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप इसको ध्यान समझे। अगर 3 के गुणनखंड की मैं बात करूं तो क्या कर रहा है, 1×3, माने 3 के दो ही गुणनखंड हो सकते हैं, 1 और 3, क्योंकि अभाज्य संख्या है तो सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड प्राय 2 होते हैं, एक एक होती है, एक स्वयं संख्या होती है। जितने भी दुनिया के जितने भी अभाज्य संख्या है उनके दो ही गुणनखंड हो सकते हैं, एक तो एक होगा, दूसरी वो स्वयं संख्या होगी। आगे हम बात करें 4 के गुणनखंडों की बात करें तो 4 के क्या होगा, 1×4 होगा, 1 होगा 2×2, अतः 4 के कुल गुणनखंड की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। कैसे, देखिए एक तो 1 से कट रहा है, फिर 4 से कट रहा है, फिर 2, यहाँ पर 4 दिखाई दे रहा है। ठीक है, वैसे इसको जब हम अच्छे से थियरी में पढ़ाएंगे तो इसकी संख्या आपको अच्छे समझाने का प्रयास करेंगे, आपको चीजें समझ में आएंगी, अभी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, इसलिए सारी चीजें एक ही बार में आप पर लोड नहीं डालेंगे। 5 के गुणनखंड की बात करें, अभाज्य 2 ही होगा, 1×5 होगा। 10 के हम 2×5 भी कह सकते हैं, 1×10 के रूप में भी लिख सकते हैं। 10 के गुणनखंडों की संख्या अगर हम बात करें, 10 के गुणनखंड कौन कौन हो सकते हैं, तो 10 के गुणनखंड की अगर हम बात करें तो 10 एक से कट सकता है, कहीं यहां सर कट जाएगा, कट स्वयं संख्या से कटेगी, 2 से भी कट सकता है, 5 से भी कट सकता है, 10 से भी कट सकता है, सॉरी हाँ 1, 2, 5 और 10। इस प्रकार 10 के जो गुणनखंडों की संख्या है वो कितनी हो गई, 4 हो गई, शायद आपको भी दिख रहा होगा 1, 2, 5 और 10। उसी प्रकार 25 के गुणनखंडों की संख्या अगर हम बात करें तो जो 25 के गुणनखंड है वो क्या होंगे, 1 से कटेगा एक, फिर 5 से कटेगा, फिर ये 25 से कटेगा, तो 25 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, 25। एक बात हमें सीखने को मिली, अगर हम 4 के गुणनखंडों की बात करें, 4 देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4, 4 गुणनखंडों की संख्या 3 है, ठीक कितने होंगे, 3, 4 गुणनखंडों की संख्या कितनी होंगी, 3 होगी। 5 का बात किया जाए, 5 क्या होंगे, 1 होंगे और 5। एक चीज इसमें कॉमन दिखा कि किसी भी संख्या का सबसे जो छोटा गुणनखंड होता है वो 1 होता है और जो सबसे बड़ा गुणनखंड होता है स्वयं संख्या होती है।
इंपॉर्टेंट बात क्या मिला, गुणनखंड की सबसे छोटी संख्या जो होती है एक होती है और सबसे बड़ी जो होती है वो सम संख्या होती है। लेकिन जो गुणज हम लोगों ने पढ़ा था वहां पे हम लोगों ने इसका उल्टा पढ़ा था कि जो सबसे छोटा होगा वो सम संख्या होगी और सबसे बड़ी जो होगी अनंत होगी और कुल गुणनखंडों की संख्या वहां अनलिमिटेड होगी। लेकिन यहां पर किसी भी संख्या के गुणनखंडों की एक निश्चित संख्या होगी, निश्चित संख्या होगी। ठीक है, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि 24 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, कमेंट करके बताइएगा कि 24 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। एक तुम जानते हैं स्वयं एक होगा और सबसे बड़ी जो होगी, सबसे छोटी एक, सबसे बड़ी स्वयं संख्या या संख्या के बराबर, और 24 से कितने होंगे ये इस वीडियो में कमेंट करके बताइए। मैं बता दूं, देखिए 24 एक से कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, दो से होगा, तीन से होगा, चार से होगा, छह से होगा, आठ से होगा, बारह से होगा और 24 होगा। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, इसके जो गुणनखंडों की संख्या हो गई वो कितनी हो गई, वो आठ हो गई। यहाँ पे कितनी थी, तीन चार, तो ये गुणनखंडों की संख्या जो था मैंने ब्रैकेट में आपके कर दिया, बॉक्स में मैंने पैक कर दिया, सर्कल में मैंने डाल दिया। तो अब उम्मीद करते हैं आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पे बता रहा है चार गुणे पांच बीस से गुणनखंड क्या है, चार है पांच है, चार को भी हम लिख सकते हैं, दो गुणे दो लिख सकते हैं और एक भी होगा। अगर 20 की अगर हम बात करते हैं कि सर 20 के कितने गुणज होंगे, तो अगर 20 की अगर हम बात करें गुणनखंडों की संख्या, तो 20 के गुणनखंड की संख्या एक होगा, एक दो होगा, चार होगा, पांच होगा, दस होगा, स्वयं संख्या होगी। तो एक दो तीन चार पांच छह, तो 20 के गुणनखंडों की संख्या छह होगी। किसी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड एक और सबसे बड़ी स्वयं संख्या होती है, गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है। क्लियर हो गया सबको? ठीक, आगे है उभयनिष्ठ कॉमन, कॉमन ध्यान दीजिएगा, उभयनिष्ठ गुणक की पहचान कैसे करते हैं, ये खासकर बीजगणित में इसका इस्तेमाल होता है और हम चाहेंगे कि आप इस सेशन में, इस एनसीईआरटी की सीरीज में इस तथ्य को समझे, देखें और पढ़ें। इसमें जैसे इसमें सी ए है, इसमें सी बी है, कॉमन जो लेते हैं, जो उभयनिष्ठ लेते हैं जो सभी पदों में हो, सभी पदों में इसमें सी सी दिख रहा है, अगर सी इसमें कॉमन ले लिया, ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने इसमें सी कॉमन ले लिया तो इसमें क्या, इसका मतलब क्या होता है, सी को अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे जैसे ये डब्बा है, अब देख रहे हैं इस डब्बे में इसमें सी ए था और दूसरे डब्बे में हाँ सी बी था। अब अगर मैं कॉमन लेने का काम करूंगा तो यहाँ पर इसका डिवाइडेड बाई सी, इसमें डिवाइडेड बाई सी, सी सी से कैंसिल, ये सी से कैंसिल, सी डब्बे में जो बचेगा ए और बी, क्या बचेगा ए। अगर इसे मल्टीपल के रूप में देखें, ध्यान दीजिएगा ए और बी बचेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर कहीं किसी भी जगह यहाँ पे जैसे मिल जाए ए एक्स धन बी एक्स, ए एक्स धन बी एक्स है, इसमें जो दोनों पक्षों में वो कॉमन है, तो आपने देखा सर इसमें तो एक्स कॉमन है, एक्स हमने कॉमन ले लिया, जब हम एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहां से एक्स गायब हो जाएगा, यहां क्या बचेगा ए धन बी, धन क्या बचेगा, धन बी बचेगा। कैसे बचा इसकी प्रक्रिया मैं समझा देता हूं, अगर जब मैंने एक्स कॉमन लिया ऊपर क्या था ए एक्स था, बटे एक्स आ जाएगा, धन बी एक्स था, और जब कॉमन लेंगे तो यहां डिवाइड हो जाता है, तो एक्स एक्स कैंसिल, ये एक्स कैंसिल, एक्स एक्स इनटू ए प्लस बी, तो यहां पर जो बचा आपका वो ये। तो कॉमन लेने की प्रक्रिया है जो सभी पदों में हो, ये दो से अधिक पदों में भी हो सकता है, जैसे मैं एग्जांपल एक और लेता हूं, जैसे यहां पर आ जाए, जैसे ए एम बी एम प्लस सी, इसमें यम यम सब में, तो यम ने हमें क्या किया कॉमन ले लिया, अब यहां क्या बचेगा ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक, यम क्या था इस पद में भी, इस पद में, इस पद में भी, तीनों पद में है, तो मतलब यम यहां पे लेंगे तो इसमें भी डिवाइड होगा, इसमें भी डिवाइड होगा, इसमें भी डिवाइड होगा, सब में भाग लग जाएगा, यम यम सबसे गायब, तो बचेगा ए धन बी धन सी, माने यम इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो इस प्रकार से उभयनिष्ठ कैसे लेना था, कॉमन कैसे लेना था, इस सीरीज में आपको समझ में आ गया। आगे देखेंगे जब कोई संख्या या बीजी वर्ण किसी योग के कम से कम दो पदों में मौजूद हो, कम से कम दो पद, अधिकतम कितने भी पद हो सकते हैं, तो इन पदों को निम्नलिखित प्रकार से गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जो गुणन के योग के ऊपर वितरण डिस्ट्रीब्यूटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर द एडिशनल पर निर्भर करती है। जैसे यहां पे देखिए ए बी धन ए सी था, ए कॉमन ले लिए, बी धन सी बचा, तो इस प्रकार से जो सभी पदों में होगा, दो या दो से अधिक पदों में, उसमें हम क्या लेंगे कॉमन ले लेंगे। आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले लें या आप हमारे साथ थ्योरी को भी लिखते हुए चल सकते हैं आगे।
पहले थियरी पढ़ेंगे, बाद में इसकी हम जो एनसीईआरटी का सोल्यूशन है उस सीरीज को भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। अब यहां पे देखिए, यहां पे बी एक्स है, ए बी है, यहां पर एक्स स्क्वायर पर ए एक्स है, तो इसमें कैसे कॉमन लेना है ये पूरी प्रक्रिया है समझते हैं। यहां पे देखिए एक्स ए है, यहां एक्स बी है, ठीक। अगर हम यहां एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा। यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स है प्लस ए बी है, यहाँ पे देख रहे हैं ए एक्स है, एक्स स्क्वायर एक्स एक्स कॉमन ले लेंगे हम तो बचेगा एक्स बचेगा, यहाँ पे ए बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, जैसे अगर किसी पद में एक्स स्क्वायर है प्लस ए एक्स, इसका मतलब एक्स स्क्वायर मतलब समझते हैं एक्स गुणे एक्स है, अगर हमने एक्स कॉमन ले लिया यहाँ पे एक्स इसको एक्स गुणे एक्स है क्या बचेगा, एक एक्स बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा ए, तो एक्स इंटू एक्स प्लस ए बचेगा। यहाँ पर देखिए जैसे ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, यहाँ पे दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो इसका जो फॉर्मूला है ये इस तरह से निकलता है। मैं इस फॉर्मूले को मैं व्याख्या करूं, तो अगर आप कहें तो मैं इसकी व्याख्या भी कर सकता हूं। जैसे यहाँ पे था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्यों होता है ए स्क्वायर, पहले ए का स्क्वायर हुआ फिर क्या हुआ बी का स्क्वायर हुआ फिर ए इंटू बी फिर ए बी, तो इसको क्या लिखते हैं हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको लिख दिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी और ए बी जुड़ गया तो टू ए बी हो गया, क्या हो गया 2ab, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इधर, क्योंकि बीजी व्यंजक में हम किसी भी पद को आगे पीछे ले सकते हैं 2ab धन b स्क्वायर। यहां पर भी वही है, यहां पर होगा a + b + c का होल स्क्वायर, फार्मूला आपको आगे याद करना होगा a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2ab + 2bc + 2ca, 2 कॉमन ले लिए तो ab bc ca कोष्ठक में आ गया, ab धन bc धन c आ गया। तो इस प्रकार से हम इस सीरीज को जब और आगे पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट हम और अच्छे से क्लियर करने का प्रयास करेंगे। अगर आप कहें तो मैं इसे सॉल्व करके मैं आपको दिखा दूं कैसे ये 2ab धन bc + ca बना, अगर आप कहें तो कमेंट करेंगे तो मैं बता दूंगा, फिलहाल आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम पर आप इलेनी भी दुर्गेश फॉलो कर सकते हैं जो लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं। कुछ उदाहरण है, उस एग्जांपल को हम देखते हैं आपके सामने, कह रहा है यहाँ पे जैसे 4 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 12 4 × 12 4 × 7, हाँ अब यहाँ 4 दोनों कॉमन, 4 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 7 धन 12, यहाँ पे 7 बचेगा यहाँ पे 12 बचेगा, ठीक ये आपका आंसर हो गया। इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे, 4 हो गया गुड़े इसका गुड़े हो जाएगा 12 × 7 = 19, ये सॉल्व करके आप आंसर भी ला सकते हैं। वैसे यही तक सही था आपका, लेकिन मैंने सॉल्व कर दिया। एक और है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ले रहा हूं 6 × 9 + 9 × 5, ठीक यही सवाल है। अब इसमें देखिए क्या दोनों में कॉमन है, इसमें भी 9 इसमें भी 9, 9 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 6 × 5, बस जो दोनों पक्ष, जरूरी नहीं कि पहला पहला पद हो, वो कहीं भी हो सकता है, जो दोनों में वही कॉमन है। ये दो पद बन गए, देखिए यहां यहां प्लस के एक तरफ इधर प्लस के इधर पर गुणन होना चाहिए, देखिए ये भी याद रखिएगा क्योंकि प्लस के इधर उधर जो होना चाहिए किस पद में होना चाहिए। फिर देखिए 5 × 11 3 × 11 11 दोनों में था 11 कॉमन ले लिए 5 + 3 बचा। यहाँ पे देखिए 3a × 21 था, 3 से क्या करेंगे, अगर हमने यहाँ 3 कॉमन ले लिया तो 3a था केवल a बचेगा, 3 का भाग 21 में देंगे 3 × 21, बस इसको फिर से इसी रूप में प्राप्त करना है, एक बार इसका गुणा करें एक बार इसमें गुणा करें, 3 × 1 करेंगे 3a, फिर 3 × 7 करेंगे धन 3 × 7 = 21, फिर वापस हम उसी पद में भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। एक बार इस पद का पहले पद में गुणा होगा फिर दूसरे पद में होगा, फिर हम वास्तविक जो मूल था उसे हम प्राप्त करेंगे। आइए अब फिर हम भाजक की तरफ बढ़ते हैं, इसको कई बार हम लोगों ने पढ़ लिया डिविजन, अब इसको समझना आसान है, ये मैंने कई बार पढ़ लिया है, हर लेसन में हम लोग पढ़ते जा रहे हैं और आपको भी चीजें समझ में भी आ रही होंगी। जब हम किसी संख्या को दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे हम भाजक कहते हैं, क्या कहते हैं भाजक कहते हैं, डिविजर कहते हैं, क्या कहते हैं भाजक या डिविजर के नाम से जानते हैं। अब इस तथ्य को अगर हम और आगे लेकर चले आपके साथ पढ़ें तो तथ्य को और अच्छे से समझाया जा सकता है। तो हम लोगों ने जो भाग में कई बार पढ़ लिया था, तो ये भाजक हो गया, ठीक, जिसे भाग जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं, जो हमें प्राप्त होता है उसे भागफल कहते हैं, और जो लास्ट में बचता है उसे शेष कहते हैं, रिमाइंडर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला भी हम लोगों ने कई बार पढ़ लिया है, भाजक का गुणा हम अगर भागफल में करते हैं, भाजक का गुणा भागफल में करते हैं और शेषफल को जोड़ देते हैं, हमें क्या प्राप्त हो जाता है भाज्य प्राप्त हो जाता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये रट लीजिएगा, ये बहुत काम आने वाला है क्योंकि संख्या पद्धति का एक सीरीज एक हिस्सा है।
अब यहाँ पर हम लोग को जो पढ़ना था गुणनखंड और भाजक से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ बिंदु है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं एक बार के, क्योंकि भाई जब पढ़ना है सीरीज में जुड़े रहना है। कह रहा है कि गुणनखंड और भाजक संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, किसी दी हुई संख्या के प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या के भाजक अवश्य होंगे। ये भी समझिएगा, किसी भी दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का भाजक अवश्य होगा। जैसे अगर हम मान लीजिए गुणनखंड की अगर हम बात करें, ठीक नौ का अगर ले नौ, या हम यूं मान लेते हैं 24 का ही ले लेते हैं, ये एक से भी कटेगा, दो से कटेगा, तीन से भी जाएगा, चार से भी जाएगा, छह से भी जाएगा, आठ से भी जाएगा, बारह से भी जाएगा, चौबीस से। तो ये किसी भी दी हुई संख्या प्रत्येक गुणनखंड, जो प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का भाजक होगा। अब इस संख्या से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं एक से। देखिए यहां पर अगर मैं इसको समझना चाहूं, आपको समझाना चाहूं, तो इस तरह से इसको व्याख्या कर सकते हैं, 24 डिवाइडेड बाई ये, 24 डिवाइडेड बाई टू, 24 24 डिवाइडेड बाई छ, 24 डिवाइडेड बाई आठ, 24 को जितनी भी संख्या है 12, 24 को डिवाइडेड बाई 24। तो हम देख रहे हैं कि किसी भी गुणनखंड के प्रत्येक संख्या का भाजक अवश्य हो, परंतु प्रत्येक भाजक उस संख्या का गुणनखंड नहीं हो सकता। जितने भी भाजक हैं जरूरी नहीं कि उस संख्या का गुणनखंड भी हो, ठीक। तो ये भी आपके लिए मान, परंतु प्रत्येक भाजक उस संख्या का गुणनखंड नहीं हो सकता, ठीक। ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सभी गुणनखंड जितने हैं सब उसके भाजक ही हो, लेकिन जितने भी गुणनखंड है उस संख्या का भाजक जरूर होगा। जितने गुणनखंड और भाजक जरूर होंगे, जरूरी नहीं जितने भाजक हैं सब उसके गुणनखंड ही बन जाए, ये भी जरूरी नहीं है। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट्स बना रहे तो लिख लीजिएगा। वैसे इस नोट्स को भी आप प्राप्त कर सकते हैं लर्निंग विद दुर्गेश से, आपको इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके ये पूरी नोट्स पीडीएफ में भी प्राप्त कर सकते हैं। सभी कंप्लीट एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक हिंदी अंग्रेजी दोनों मीडियम में उपलब्ध है, क्योंकि किसी भी संख्या में हम कई संख्याओं को भाग दे सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें 1588 में 1, 2, 3 से भी भाग दे सकते हैं, कई संख्याओं से हम भाग दे सकते हैं, किसी भी संख्या से भाग दे सकते हैं, परंतु 3 1588 का गुणनखंड नहीं है, 3 का ऐसा गुणनखंड नहीं है, लेकिन भाग दे सकते हैं, ठीक है। 8, 8, 16, 5, 21, 22 3 से भाग दे सकते हैं, शेष बचेगा। तो जरूरी नहीं है कि किसी संख्या से भाग दे सकते हैं हम, लेकिन 3 का ऐसा गुणनखंड नहीं। आइए आगे देखते हैं कैसे किसी संख्या का गुणनखंड ज्ञात करें, कैसे किसी संख्या का गुणनखंड ज्ञात करें, ये भी हम लोग को पढ़ना और जानना है। भाई किसी भी संख्या का गुणनखंड वह संख्या होती है जिसे आपस में गुणा करने पर पुनः वही संख्या प्राप्त होती है, इस रूप में हम लोगों ने पढ़ लिया। इसे समझने का दूसरा तरीका यह है कि हर संख्या उसके गुणनखंड का गुणनफल होती है। माने समझने के लिए कह सकते हैं कि हर संख्या उसके गुणनखंड का गुणनफल होती है। जैसे गुणनखंड प्राप्त करें, जो किसी संख्या को उसके गुणनखंडों में विच्छेद करने की प्रक्रिया है, विच्छेद करने का मतलब, जैसे अगर 12 का है तो लिख सकते हैं 1 × 2 × 2 × 3 1 × 2 × 2 × 4 = 12। तो यही कह रहा है कि किसी संख्या को उसके गुणनखंडों में विच्छेद करने की प्रक्रिया है। यह एक महत्वपूर्ण गणितीय कौशल है जिसका उपयोग मूलभूत अंकगणित में ही नहीं बल्कि बीज गणित में भी किया जाता है। तो इसकी चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लें या हम इस थ्योरी के साथ हम सीरीज में आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या का गुणनखंड कैसे प्राप्त करें। जैसे 12 है, इसका गुणनखंड कैसे प्राप्त करें कमेंट करके बताइएगा। दी गई संख्या लिखें, पहले दी गई संख्या लिखें। अब हम यहाँ पर यही लिखने जा रहे हैं, यही पढ़ने जा रहे हैं। कह रहा है कि गुणनखंड प्राप्त करने की शुरुआत करते हुए आपको सिर्फ दी गई संख्या ही की आवश्यकता है, इसके लिए कोई भी संख्या चलेगी, परंतु आसानी के लिए हम सामान्य पूर्णांक संख्या लेंगे। पूर्णांक संख्या भिन्नात्मक या दशमलव घटक की अतिरिक्त संख्या होती है। पूर्णांक संख्या मतलब ये नहीं है कि भिन्नात्मक संख्या ले लें या दशमलव संख्या ले लें, एक सामान्य संख्या ले सकते हैं अध्ययन के लिए। सभी धनात्मक या ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। आगे देखते हैं, मानिए मतलब यहाँ के लिए पूर्ण, वो पूर्ण संख्या अलग, होल नंबर की बात करेंगे तो अलग, जीरो से लेकर गिनती संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। इसकी बात करें कि एक अपने आप में कंप्लीट नंबर है, हम 12 चुनते हैं तो इस प्रकार पेपर में लिखिए। अब जरा 12 गुणनखंड आप करिए अपने पेपर पे लिखकर और हमको भी बताइए जरा। तो इसे 12 के गुणनखंडों की हम बात करें तो देखिए आपके सामने आ गया 12, एक से डिवाइड होगा, 12 का 12, 12 दुना 6 दुना 12, 3 चौके 12। तो यहां पर हम लोगों ने देखा क्या क्या देखा कि जो 12 है एक से भी कट रहा है, दो से भी, तीन से, चार से, छह से और स्वयं 12 से। 1, 2, 3, 4, 6, 12 एक लिया, दो लिया, तीन लिया, चार लिया, छह लिया। तो यहां पर देखिए ऐसी दो संख्या प्राप्त कीजिए जिसका गुणनफल पहली संख्या हो, ऐसी दो संख्या लीजिए जिसका गुणनफल पहली संख्या हो। तो बस यही लीजिए, पहली संख्या हो, दो गुणनखंड, 12 × 1 किया, 6 × 2 किया, 3 × 4 किया, तो ये कैसे गुणनखंड है।
क्लियर हुआ। तो इनके गुणनखंडों की संख्या अगर पूछ लिया जाए तो 12 गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। आगे बढ़ रहे हैं हम। यहां पे बात क्या रहा है कि किसी भी पूर्ण संख्या को दो अन्य पूर्ण संख्याओं गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। प्रमेय प्रत्येक संख्या को उस संख्या का एक के गुणनफल के रूप में भी लिखा जा सकता है। किसी संख्या को उसके दो गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए मानसिक चिंतन की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, बहुत बुद्धि का। आपको स्वयं ये पूछने की आवश्यकता है किन संख्याओं के गुणनफल द्वि संख्या से प्राप्त होगी। उदाहरण के लिए अगर हम 12 में देखें तो 12 के कई गुणनखंड, 12 × 1 है, 6 × 2 है, 3 × 4, सभी का गुणनफल क्या है, 12 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 12 के गुणनखंडों की संख्या 1 भी है, 2, 3, 4 और 6 तथा 12 है। हमारे उद्देश्य के लिए हम गुणनखंड 6 तथा 2 को चुनते हैं। अपनी सहूलियत के लिए 6 और 2 को भी चुन सकते हैं। सम संख्या गुणनखंड प्राप्त करना आसान होता है। कह रहा है जो सम संख्या होती है जिसके इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, उसके गुणनखंड को प्राप्त करना आसान होता है, क्योंकि संख्या 2 हर सम संख्या का एक गुणनखंड होता है, माने सभी जो 2 होता है उसका वो गुणनखंड होता ही है। 4 का बात करें 2 × 2 है, 26 की बात करें 13 × 2, तो यहाँ पर 6, 2 जो दिया गया, माने 4 का गुणनखंड करना 2 × 2 हो जाएगा, 26 का हो जाएगा 13 × 2। 12 हमें देखा 6 × 2 है और 6 का गुणनखंड 3 × 2 है, तो इस प्रकार हमें 12 को लिख सकते हैं 2 × 3 × 2। तो ये गुणनखंड करने का भी एक नियम है, इसे हम लोग और आगे समझेंगे। 12 को लिख सकते हैं 6 × 2, अब 6 को भी लिख सकते हैं 3 × 2, तो हम 2 × 3 × 2 कर देंगे, हमें क्या हो जाएगा 12, तो 12 का गुणनखंड हो गया। ये सुनिश्चित करें कि कहीं प्राप्त गुणनखंड को और भी खंडित किया जा सकता है या नहीं, माने ये जरूर सुनिश्चित करना है कि जो हम प्राप्त गुणनखंड किए हैं क्या उसके और टुकड़े भी हो सकते हैं। हमें अंतिम टुकड़े तक जाना है, जब तक वो विखंडित ना हो, जब तक वो टूटता ना जाए, जब तक वो कट के अलग ना हो जाए, माने हर छोटी संख्या तक हमें पहुंचना है। हर का मतलब प्रत्येक, माने प्रत्येक संख्या गुणनखंड के लिए हम उसके अंतिम गुणनखंड तक पहुंचना है, जब तक वो टूट सकता है तब तक उसे तोड़ेंगे, ठीक है। अब यहां पर हम बात करेंगे कई संख्या खासतौर पर बड़ी संख्या के कई बार खंडित किया जा सकता है। आपने गुणनखंड के रूप में 2 संख्या प्राप्त कर ली, इनमें से किसी एक संख्या के और गुणनखंड प्राप्त किए जा सकते हैं, इस संख्या को भी उसे गुणनखंड के रूप में लिखे। जैसे अगर और पर अगर हमने 12 को 2 × 6 के रूप में खंडित किया है, तो फिर हम देखते हैं 6 को भी हम 2 × 3 में खंडित कर सकते हैं। इस प्रकार हमने यहाँ पे देख लिया। अब जैसे 1 × 1, 7 × 1, 2 × 2, 3 × 3, 5 × 5, 11 × 11, 13 × 13, इनको हम केवल एक टुकड़ों में तोड़ सकते, दूसरा गुणनखंड इसका नहीं बनेगा। लेकिन 6 है तो 2 × 3 हो सकता है। जब आपको अभाज्य संख्या मिल जाए तो गुणनखंड प्राप्त करना रोक दे। जब आपको अभाज्य संख्या मिल जाए तो गुणनखंड प्राप्त करना वहीं पर क्या करना है, आपको रोक देना है, ठीक है। अब क्या है इसके बारे में भी हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। अब यहां पर हमने देखा कि अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिन्हें सिर्फ उसी संख्या से एक से विभाजित किया जा सकता है। हमने इसके पहले पढ़ लिया है कि अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो संख्या एक से कटती है, स्वयं से कटती है, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं, मतलब किसी अन्य संख्या से ना कटे। एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए 1, 2, सॉरी यहाँ पर ये गलत है, 1 न तो भाज्य है न अभाज्य। अभाज्य संख्या की अगर हम बात करें यहाँ पे गलत है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये आगे बढ़ती जाएगी अनंत तक। मतलब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या है अगर हम बात करें तो 2 है, 3 है, 5, 7, 11, 13, 17, 19 आदि, मतलब बढ़ता जाएगा। एक न तो भाज्य है न अभाज्य, यहाँ पे टाइपिंग नहीं रहा है, इसलिए अगर आप नोट्स भी पढ़ रहे हैं, इसलिए वीडियो भी देखनी जरूरी है, नोट्स पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा, वीडियो पे देखेंगे तो कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा। जब आपने किसी संख्या गुणनखंड प्राप्त कर लिया जिसमें सभी संख्याएं अभाज्य हैं, इसके उपरांत गुणनखंड प्राप्त करना निरर्थक होगा, इसलिए रोक जाए। अब हमारे उदाहरण में हमने 12 को 2 लिया, मतलब 2 × 6 लिया, 6 को 2 × 3 बार दिया, 2, 3 क्या अभाज्य है, तो 2 तथा 2, 3 अभाज्य संख्याएं हैं। यदि हम फिर से इनका गुणनखंड प्राप्त करें तो हमें 2 × 1, 2 × 1, 3 × 1 मिलेगा, मतलब इसके इससे ज्यादा टुकड़े नहीं हो सकते, जिसकी कुल उपयोगिता नहीं है, इसलिए इसकी जरूरत भी नहीं है। यह सेशन यही कहना चाह रहा था, हमें तब तक बढ़ना है जब तक कि हमें गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड न प्राप्त हो जाए। इसे -60 का है, 10 × 6 हो गया। अब 10 को भी 2 टुकड़े में बांट सकते हैं, 5 × 2, 6 को 2 × 3, ये सब अभाज्य संख्या हो गया, तो -60 का हो जाएगा, माइनस क्योंकि माइनस एक बार ही लगेगा,
माइनस पांच गुणे दो गुणे तीन गुणे दो तीसरी क्या हो गए, एक गुणनखंड हो गया। यही आप ये कहना चाह रहे हैं, उम्मीद करते हैं यह भी आपको समझ में आ चुका होगा। क्या किसी को डाउट है तो कमेंट कर सकता है। वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो लाइक करिए, वीडियो को जहां भी देख रहे हैं शेयर करिए, जिस भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं चाहे यूट्यूब पे देख रहे हैं चाहे फेसबुक पे ऐप पर कहीं भी देख रहे हैं, कि मेरी निःशुल्क क्लास है, कोई कहीं भी से साझा कर सकता है। ऋणात्मक संख्या का गुणनखंड भी इसी प्रकार होता है, जैसे धनात्मक होता है वैसे ऋणात्मक होता है, लेकिन ऋण एक ही बात लगेगा, हर पदों में ऋण आप नहीं लगा सकते। ऋणात्मक संख्या भी करीब करीब धनात्मक संख्या की तरह ही गुणनखंड प्राप्त किया जाता है। इसमें एकमात्र अंतर है कि गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में वही ऋणात्मक संख्या प्राप्त होनी चाहिए, इसलिए ऋणात्मक गुणनखंडों की विषम संख्या होनी चाहिए। माने गुणनखंडों जिससे ऐसा नहीं है जैसे माइनस चार का कर दे तो माइनस दो गुणे माइनस दो कर देंगे तो धनात्मक हो गया, तो इनकी पदों की संख्या भी विषम होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऋण गुणा ऋण करेंगे धन आएगा, सम वर्ग गुणा करेंगे धन हो जाएगा, इसलिए विषम भार हो, नहीं है तो केवल एक ही ऋण से काम चलाया जा सकता है। कोष्ठक के बाहर ऋण लगा दीजिए, बाकी जैसे गुणनखंड करते हैं उस तरह से आप करते रहिए। उदाहरण के लिए माइनस साठ का गुणनखंड प्राप्त करने के ऊपर हमने देख लिया, जैसे माइनस साठ का प्राप्त करना है तो बराबर एक बार माइनस लगा लीजिए, बाकी काम वैसे करिए। अब यहाँ पे क्या करिए, साठ है इसे दस गुणे छह बना दीजिए, इसको फिर तोड़िए, फिर माइनस एक लगाइए, इसको फिर तोड़ेंगे दस को ले सकते हैं दो गुणे पांच, फिर गुड़े दो गुड़े तीन, बस माइनस बाहर ये तो माइनस दो गुड़े पांच गुड़े दो गुड़े तीन हो गया। सम बार है लेकिन हमने माइनस एक बार ही लगाया है। इस तरह से आपको तथ्य को समझना होगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस पर ये, बाकी जब हम इसकी एमसीक्यू थ्री लाएंगे, इसकी हम कैलकुलेशन जब इसकी हम सोल्यूशन लेकर आएंगे तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। ध्यान रहे कि ऋणात्मक अंकों की सम संख्या वही अंक गुणनफल के रूप में देती है। उदाहरण के लिए माइनस पांच गुणे दो माइनस तीन गुणे माइनस दो इस तरह से करेंगे तो माइनस साठ ही आएगा। बड़ी संख्या गुणनखंड प्राप्त करने के लिए कार्यनीति क्या, जो कोई बड़ी संख्या होगी इसके गुणनखंड प्राप्त करने की कार्यनीति क्या होगी, इसके लिए आपको विभाज्यता का नियम याद होना चाहिए। हमेशा छोटी छोटी संख्या से डिवाइड करना चाहिए, पहले दो से करिए, फिर तीन से, फिर पांच से, सात से, ग्यारह से, तेरह से, इस तरह से विभाजिता का नियम याद है तो आप इसे आसानी से करें। इकाई अंक दो है ये दो से कटेगा, इस तरह से आप इसे पद भर पद नीचे की तरफ ले जा सकते हैं। जबकि छोटे अंकों को गुणनखंड ज्ञात करना आसान है, बड़े अंकों के गुणनखंड ज्ञात करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हमसे कई लोगों को चार पांच अंकों वाली संख्या को सिर्फ मुझबानी रूप में या उससे अभाज्य गुणनखंड में विभाजित करने की काफी मुश्किल हो सकते हैं। अगर मुझबानी कह जैसे कह दिया जाए पंद्रह गुणनखंड क्या होगा, ऐसा तीन गुणे पांच होगा या पांच गुणे तीन होगा, तो छोटी संख्या आसानी से कर लेंगे। बड़ी संख्या होगा मुझबानी का मतलब क्या होता है, मौखिक रूप से आप नहीं कर पाएंगे, कर भी सकते हैं ऐसे नहीं, मैं आपकी योग्यता पर प्रश्न नहीं खड़ा कर रहा हूं, तो लेकिन बड़ी संख्या होने पर मुश्किल हो सकती है। तो यही कह रहा है कि सौभाग्यवश तालिका की मदद से आप इस प्रक्रिया को आसानी से कर सकते हैं। दी गई संख्या को पहले टी आकार में दो पंक्ति वाली तालिका में लिखें, उनका गुणनखंड बढ़ती हुई सूची के लिए करेंगे। हमारा उद्देश्य हम चार अंकों वाली संख्या जैसे पैंसठ सौ बावन है तो गुणनखंड ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, पहले दो से काट दिया, तो यही नियम है जो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर है छह हजार पांच सौ बावन, सबसे पहले क्या करेंगे दो से डिवाइड करेंगे। तालिका विधि है जो वृक्ष विधि टी विधि कहते हैं इसे, दो त्याई छ दो दूना चार दो सत्य चौदह दो छह इकाई अंक छह, क्योंकि इकाई अंक यह थी जीरो दो चार छ आठ हो तो संख्या सम संख्या भी होती है इकाई अंक होने पर, इकाई का अंक होने पर सम होती हो दो से विभाजित भी होंगे, फिर दो से डिवाइड होगा, फिर दो से करेंगे दो एक का दो दो छंग बारह दो तीन छह दो चौदह, फिर दो से डिवाइड करिए दो अठे सोलह दो एक का दो दो चौके, फिर दो से डिवाइड करिए दो चौके आठ जीरो दो सत्य छह, अब चार सात हो गया। अब किस संख्या से कटेगी, चार दो सात सात से ग्यारह से अगर देखेंगे हम तो ग्यारह तिया तैतीस, हाँ ग्यारह से देखिए कटता है क्या, ग्यारह तिया तैतीस ले जाएंगे ग्यारह से, तो ग्यारह तिया तैतीस तीन बार गया बचे ऐसा दिखा सकते हैं सतहत्तर, फिर हम 37 से डिवाइड करेंगे तो ये इसके गुणनखंड मिलेंगे। सित्ती मेथड कहते हैं, यही आप लोग बचपन से हम लोग पढ़ते आए। इस मेथड को हम लोग जब हम इसके सवालों की तरफ चलेंगे, जब हम इस सीरीज को एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे, जब हम इसके प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे तो हम इसकी और अच्छे से व्याख्या करके आपको पढ़ाने समझाने का पूरा प्रयास। वैसे आप इसको प्रैक्टिस घर पर करेगा, आपको गणित वीक लगता है आपको लगता है गणित आप नहीं कर पाएंगे, तो इस संख्या को निम्नतावाद गुणनखंड विभाजित करें, अपनी संख्या निम्नतावाद गुणनखंड एक के अलावा जिस तरह से बढ़ते जाइए और इसके बगल में दाईं तरफ लिखते हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया तो यहां पर मैंने कंप्लीट पूरी कर दिया।
219 में कितना आया था कि मैंने सही किया था या नहीं? अच्छा, लगता है मैंने कहीं गलती कर दिया था क्या? एक मिनट हम ये देख लेते हैं मैंने कहाँ गलती की थी। 1629। अच्छा, मैंने लगता है कहीं गलती कर दिया था क्या? एक मिनट रुकिए, मैं उसे चेक कर ले रहा हूँ। हाँ, 2 8 16, 2 1 2। अच्छा, यहाँ पे मैंने गलती कर दी, सॉरी, यहाँ पे देखिए मेरे द्वारा गलती हो गई। ठीक, यहाँ पर मेरे द्वारा गलती हो गई। ठीक, अब देखिए 2 8 16 हो गया, 2 1 2 18 हो गया, 2 9 18 हो गया। अब क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करके चेक करेंगे, 3 से, क्योंकि देखिए 8 1 9 18, 3 से करेंगे, 3 2 6, 2 बार गया, 2 बचा, 21 हो जाएगा, 3 7 21, 3 1 3 3 3 3 9, 3 3 9। अब 273 हो गया, 7 2 9 3 12, फिर से 3 से डिवाइड होगा, 3 9 27, 3 1 3। फिर अब 91 हो गया, तो 7 से काटेंगे, 7 1 7 7 3 21, फिर 13 से डिवाइड करेंगे, तो ये बन गया। देखें देखिए वहां पर थोड़ा एरर हो गया था, तो 800 नहीं 273 13, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 13। अब ये मत कहिएगा इनको गणित नहीं आती, वो तो सर जब पढ़ाते हैं तो ध्यान में रहा, कैमरे की तरफ होता है, पढ़ाते भी इधर भी है, तो हो सकता है मैंने टूटी होगी, यहीं पे मैंने 19 कर दिया था, तो यहीं पे गलती हुई थी, यहीं पे टूटी हुई थी। तो अब हम और आगे चलते हैं इस सीरीज में, इस सेशन में ही। तो यहाँ पर आ गया 11 3 13, फिर 13 जाएगा। तो आप देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप हम लोग कैसे बढ़े हैं। इस तरह से आपको विभाज्यता के नियम अगर याद रहेगा तब इसे आसानी से कर पाएंगे। तालिका में बाईं तरफ संख्या गुणनखंड के रूप में उपयोगिता कीजिए। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे आए आभास संख्या, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं कलों किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगती, उन्हें हम आभास संख्या है, प्राइम नंबर कहते हैं। 5 एक संख्या है, सिर्फ 1 और 5 से ही पूरी तरह विभाजित होगा, अर्थात 5 के लिए सिर्फ 2 ही गुणनखंड था, 1 5 है और 1 है, ये मैंने शुरू में बता दिया। आभास संख्या के कुल 2 ही गुणनखंड होते हैं, 1 और स्वयं संख्या। अभाज्य संख्या और गुणन का उदाहरण, अभाज्य संख्या उदाहरण आपके सामने है, ये सभी अभाज्य संख्या, इनके केवल 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं। जैसे 37 का ही मान लें, और 37 का केवल 1 और 37, ये 2 ही इसके गुणनखंड है। और 1 से लेकर 100 तक में कुल कितने अभाज्य संख्या होती है कमेंट करिएगा। 1 से लेकर 50 तक में कुल कितने अभाज्य संख्या होती है, 1 से लेकर 25 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, ये कई बार आपके परीक्षा में सवाल पूछा जा चुका है, गिन लीजिएगा। 1 से लेकर 75 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, ये लिखकर आपको याद करना होगा। अभाज्य संख्या निकालने का फॉर्मूला, आइए एक फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, गणित तो फॉर्मूला का ही है, बाद में जब पूरी सीरीज मैथ की शुरू करेंगे तो वहां पे हम ट्रिकी मैथ पढ़ेंगे, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट जहां जहां है वहां पूरा पूरा फॉर्मूला हम बताएंगे आपको। जैसे अभाज्य संख्या, वैसे तो अभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए काफी नियम है, लेकिन आज हम अभाज्य संख्या ज्ञात करने के 2 महत्वपूर्ण नियमों के बारे में जानेंगे। अभाज्य संख्या निकालने का जो पहला नियम है, अभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए ये विधि सबसे अच्छी विधि, क्योंकि इस विधि से बहुत ही अच्छे तरीके से और आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कोई संख्या अभाज्य है या भाज्य है। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा पूरे लाइफ टाइम के लिए। मान लीजिए 37 एक संख्या, मान लीजिए आप 37 संख्या है, अगर 37 नहीं मान सकते तो कोई एक संख्या और हम लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 47 मान लेते हैं। इसके सबसे पहले हमें यह जानना होगा 37 का एक वर्गमूल किन 2 धनात्मक संख्याओं के बीच होगा, इसके 2 वर्गमूल किन 2 संख्याओं का होगा। 37 की बात करें 36 और 49, 47 का भी वही होगा 36 और 49। वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब वर्ग, इसी संख्या का वर्ग। 37 का वर्गमूल 36 और 49 के वर्गमूल के बीच में, यानी 6 का वर्ग 36 और 7 का वर्ग 49, यानी 37 का वर्गमूल 6 और 7 के बीच में कहीं भी होगा। माने 37 का जो वर्गमूल है, जो वर्ग है, 37 का वर्गमूल अगर हम याद करें 6 और 7 के बीच में होगा। अगर हम बात 47 से करें सेम प्रक्रिया यही आती है, 36 और 49 के बीच में होगा, माने 6 और 7 के बीच में होगा। अब हमें ज्ञात हो गया है कि 37 का वर्गमूल 6 और 7 के बीच में कहीं होगा। अब हमें 6 और 7 से पहले की सभी अभाज्य संख्याओं को लिख लेना है। जैसे 6 और 7 से पहले की अभाज्य संख्या क्या है, 6 7 के पहले अगर हम बात करें तो 6 से पहले 2 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा, और इसके बाद सीधा 7 आता है। क्या आता है, 7 आता है। तो 7 में बीच की बात कर, 2 2 3 5।
अब हम 37 को 5, 3 और 2 से भाग करके देखेंगे। 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई का अंक 7 है। 3 से अंकों का योग 7, 3, 10 से नहीं कटेगा। 5 के लिए इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। इस प्रकार हमने इसे आसानी से देख लिया कि यह संख्या अभाज्य है। इसका मतलब क्या है? अगर 37 तीनों संख्याओं से भाग नहीं लगता तो इसका मतलब 37 एक अभाज्य संख्या। एक हम और एग्जाम्पल लेते हैं आपके साथ, हो सकता है आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हम यहां से देखते हैं, हम इसे और आगे लेके चलते हैं। अगर 23 है, इसको जानना है कि 23 अभाज्य कि नहीं, किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच है? एक तो हो गया 25 और इधर आएंगे तो 16। 16 माने 4 का और 25 माने 5 का। 5 और 4 से छोटा होना चाहिए, तो 5 और 4 छोटा की हम बात करें तो 2 एक अभाज्य संख्या होगी, 3 होगी, 5 से 5 के बीच की कह रहा है, ठीक है। तो 2 3 से 23 में भाग देंगे तो ये 2 से भी नहीं कटेगा और 3 से भी नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या है? यह एक अभाज्य संख्या है। यह क्या है? एक अभाज्य संख्या, ठीक। अब हम और आगे चलते हैं चेक करने के लिए। जैसे अगर हमें चेक करना है कि 63 एक अभाज्य संख्या है या नहीं, तो 63 के लिए हम क्या करेंगे, 64 पे जाएंगे, वर्ग है, और 64 से पहले अगर हम आएंगे इस संख्या के वर्ग की बात करेंगे तो 49। इसकी वर्गमूल 8 है और इसका वर्गमूल 7 है। 8 से छोटी सभी अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो 7 एक स्वयं अभाज्य है। 7 के पहले आएंगे तो 5 है, 5 के पहले आएंगे 3 और 2 है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा। देखिए 6 3 9 3 से कट जाएगा, इसका मतलब है भाज्य है। 7 से भी कट जाएगा, इसका मतलब है भाज्य है। तो 63 क्या है? एक भाज्य संख्या है, ये हमें स्पष्ट हो गया। अब हम एक और संख्या लेते हैं, इसे इरेज कर दें क्या? अगर आपको समझ में आ गया तो इरेज कर दें। इसे एक संख्या हम और लेते हैं 87। मैं कहां लूं, यहां पे लिखता हूं, मैंने 87 लिख लिया। 87 के दाईं तरफ अगर हम बढ़ेंगे, इस संख्या वर्ग की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो 10 10 में 100, 9 9 81, इसके वर्गमूल आएगा, ये 10 आएगा, ये 9। 10 से छोटी जितनी भी संख्या है, 10 से छोटी जो होगी 7 5 3 2, 87 को भाग देंगे, 2 से नहीं कटेगा, 8 7 15, 3 से कट जाएगा। 87 क्या है? भाज्य संख्या है। क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। इसके लिए आपको भाज्यता का नियम याद होना चाहिए। आप 2 से भाग देंगे कटेगा नहीं, क्योंकि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होगा तभी 2 से कटेगा। दी गई संख्या कुल पदों के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो रही है तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। देखिए 8 7 15, 3 से कट जाएगा। इस प्रकार हम जान गए कि किसी संख्या को भाज्य है या नहीं, हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो 37 को हमने क्या किया? डिवाइड करके देख लिया। अभाज्य संख्या निकालने का दूसरा तरीका है, अब दूसरे तरीका भी बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रथम 40 से बड़ी अभाज्य संख्या प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, n प्लस 2 प्लस n प्लस 41 का प्रयोग किया जा सकता है, जहां पे n 0 1 2 3 39 होगा। प्रथम 40 बड़ी संख्या के भाज्य, ध्यान रहे अंतिम संख्या केवल 39 तक ही सीमित है, ये केवल 39 तक ही है, इसलिए फॉर्मूले पर ज्यादा जोर लगाने से कोई मतलब ही नहीं है। फॉर्मूले के तहत n का मान 39 से अधिक नहीं हो सकता। अब n बराबर 0 हो तब क्या होगा? 2 × 0 = 2 × 41 ही होगा। अगर n क्या हो, 1 हो तब क्या होगा? 43। तो ये आपके लिए फॉर्मूला उतना किफायती नहीं है। अगर आप जांच करना चाहते हैं तो कर लीजिए, ऊपर वाला आपके लिए बेस्ट था, ठीक है। कोई भी संख्या n हो, n कितनी बार भी जा सकते हैं, n 2n प्लस n प्लस 41 का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। n का मान किसी भी दशा में 39 ज्यादा नहीं हो सकता। अगर n 2 हो तब क्या होगा? 47 है, 53, 61 है, कोई भी संख्या आप इसे निकाल सकते हैं। अभाज्य संख्या के गुण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बहुत है, खासकर परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब देखिए 0 और 1 अभाज्य संख्या नहीं होती, मैंने शुरू में बताया 0 और 1 अभाज्य संख्या नहीं होती, एकदम रट लीजिएगा, एक न तो भाज्य है न भाज्य। 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या विषम होती, 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या, माने 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। आगे कह रहा है अभाज्य संख्याएं केवल 2 गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्या केवल 2 गुणन, एक और एक स्वयं संख्या। आगे कह रहा है अभाज्य संख्याएं 0 और 1 से बड़ी होती, अभाज्य संख्या क्योंकि 0 से हमेशा बड़ी होंगी, क्योंकि एक न तो भाज्य न अभाज्य, तो अभाज्य संख्या हमेशा 0 और 1 से बड़ी होती। अभाज्य संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, ऊपर भी मैंने बताया सभी भाज्य और अभाज्य संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती, जितने भी भाज्य अभाज्य संख्या है वो एक प्राकृतिक संख्या होती है, और प्राकृतिक संख्याएं कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, और जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। ये हम लोगों ने शुरुआत के लेक्चर में
पढ़ ली, इसलिए मैं कहता हूँ डे बाई डे बने रहिए, हर वीडियो में बने रहिए, कोई वीडियो आपको मिस नहीं करना। अगर सिलेक्शन लेना है, सबसे छोटी आवाज संख्या क्या है? सबसे छोटी आवाज संख्या आपको कई बार क्या होगा, मैंने ऐसे कई विद्यार्थियों की गलती करते देखा कि वो एक को ही सबसे छोटी आवाज संख्या कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये गलत है। आपको याद रखना है कि एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य, मैं बार बार कहता हूँ सबसे छोटी आवाज संख्या दो है, एकदम रट लीजिएगा। मैंने कई बार इस शब्द का जिक्र किया, प्रथम पांच आभा संख्या, तो पांच आभा संख्या का मुकाबला आभा संख्याओं में काफी कम है। प्रथम पांच आभा संख्याएं 2, 3, 5, 7 और 11 है, भाज्य संख्याओं के मुकाबले आभा संख्याएं काफी कम होती है, भाज्य संख्याएं ज्यादा होती है। आभा संख्या 1 से लेकर 100 तक पूछा जाता है, 1 से लेकर 100 तक में कुल कितनी भाज्य संख्याएं हैं? जैसा शुरू में कहा गया कि भाज्य संख्याओं के मुकाबले आभा संख्याएं काफी कम है, भाज्य संख्या 1 से लेकर 100 तक में 74 भाज्य है, और अगर अभाज्य की बात की जाए तो 25 है। अब कहेंगे सर 1 से 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्या है, कुल कितनी है? कुल 25 अभाज्य संख्या है, कुल कितनी है? कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या, अब आपके मन में आएगा कि भाज्य संख्या कितनी होगी, कमेंट करिए, 1 से लेकर 100 तक में कुल कितनी भाज्य होगी, 1 से लेकर 100 तक में कुल भाज्य संख्या कितनी होगी, कमेंट करके बताइएगा जरा। तो भाज्य संख्या कहेंगे सर 100 में से 25 घटा देंगे तो 75 आ जाएगा, नहीं, एक न तो सम न भाज्य है न भाज, इसलिए यहां पर 100 - 25 - 1 = 74, तो भाज्य संख्या की जो संख्या है 1 से लेकर 100 तक में उनकी संख्या 74 होगी, क्योंकि एक न तो भाज्य है ना अभाज्य है। यह बात काफी याद करना है, मैं बार बार इस पर जोर दे रहा हूं ताकि गलती भविष्य में आपसे ना हो, भविष्य में गलती करेंगे तो भाई आप उसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार। इसलिए मैं कहता हूं हर वीडियो सेशन में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, ये बेसिक गणित है आपके लिए, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स है आपके लिए। अब संख्याओं के साथ खेलना, अब यहां पे संख्या आपको दिख रही है, तो ये 25 संख्या है जो अभाज्य है, देख लीजिएगा, याद कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 का बंडल है, हम यूं कह सकते हैं कुल 1 से लेकर 100 तक के बीच में कुल अभाज्य संख्याएं हैं, आप इन्हें याद कर सकते हैं, ले सकते हैं। पूछा था 1 से लेकर 25 तक में कुल कितनी अभाज्य है, 1 से लेकर 25 तक में देखिए कुल कितनी अभाज्य, 9 अभाज्य संख्या होती है, 1 से लेकर 25 तक के बीच में कुल 9 अभाज्य संख्या है। कई बार पूछ लेता है 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं में जितनी अभाज्य संख्या उनका औसत क्या होगा, इन्हीं कुल पदों के बेटे कुल पदों की संख्या, ये हम आगे के सीरीज में पढ़ेंगे। वैसे आपको याद होना चाहिए कुल कितनी होती है, 1 से लेकर 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है, अब यहाँ तक गिन डालिए 15 होती है, मैंने 1 से लेकर 50 तक के बीच में कुल 15 अभाज्य संख्या होती है, 1 से लेकर 25 तक में कुल 9 अभाज्य संख्या होती है। जब हम 75 की बात करते हैं 75 तक में कितनी होती है, तो याद रखिएगा 1 से लेकर 75 तक में कुल 21 अभाज्य संख्याएं होती है, और 1 से लेकर 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। रट लीजिएगा, कहीं नोट्स बना रहे हैं, नोट लिख रहे हैं तो लिख लीजिए। अभाज्य संख्या औसत कैसे निकाले, अभी मैंने बताया कोई भी किसी भी औसत निकालने का तरीका है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अभाज्य संख्या औसत निकालने के लिए हमें औसत का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और निकालने के लिए हमें संख्या को जोड़ के भाग कर सकते हैं। औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों सभी पदों का योग बटे सभी पदों की संख्या। प्रथम पांच अभाज्य संख्या औसत क्या होगा, 3, 2, 5, 7, 11, ये इनका योग कर दीजिएगा 28 28/5, मैंने कुल पदों की योग बटे कुल पदों की संख्या 5.100। रख लीजिए, कई बार परीक्षा में सवाल आता है कि प्रथम पांच अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम सात अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, 5 का याद रखिए 5.6 आएगा, ठीक है, रख लीजिएगा। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है, हम उसे भाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, सबसे बड़ी अनंत होती है, और सबसे छोटी विषम भाज्य की बात करें तो 9 होती है, 9 से छोटी कोई ऐसी विषम संख्या ही नहीं है जो भाज्य हो, ठीक है। आप भाज्य संख्या को इस प्रकार समझ सकते हुए सभी प्राकृत संख्याएं जो खुद और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से कटती है हम उसे भाज्य संख्या कहते हैं। पूरा पूरा कट जाए, पूरा पूरा कैंसिल हो जाए, उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, एक अब यहां पे कहिएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, 4, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9, क्योंकि 15 भी तो है लेकिन 15 क्या है, बड़ी है, तो एक अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या 9 होती है, ये भी जान लीजिएगा, एक अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या 9। अभाज्य पूछा जाता है, एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो ऊपर का टेबल आपको याद होगा तो रख लीजिएगा, मैं टेबल आपको फिर से दिखा दे रहा हूं। यहां पे पूछ सकता है आपको एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 है, रख लीजिएगा, एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है,
एक अंक की विषम अवा संख्या 3 है, एक अंक की सम अवा संख्या 2 एकमात्र है, और दो अंक की सबसे छोटी अवा संख्या 11 है, दो अंक की सबसे बड़ी अवा संख्या 97 है। इस तरह के सवाल परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और वही प्रक्रिया आपके लिए यहां भी है। यह भी याद रखना कि भाज जो है अभाज कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। भाज संख्या के प्रकार, अब भाज संख्याओं को भी दो भागों में बांट सकते हैं। अगर भाज संख्या बंटवारे के लिए सम और विषम आधार माने तो सम भाज संख्या और विषम भाज संख्या। ऊपर भी मैंने आपको बताया था जो दो से कट जाती है वो, जो भाज्य संख्या दो से कट जाएंगी वो समभाज्य संख्या है, मतलब जिनकी इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वे समभाज्य संख्या है। इसके अलावा जितनी अभाज्य संख्या है वो विषम अभाज्य संख्या है, जैसे कि एग्जांपल 9 है, 15 है, 21 है, 35 है, 27 है, ये सब विषम अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या, सॉरी विषम भाज्य संख्या, इवन कंपोजिट नंबर है। सबसे छोटी संभाज्य संख्या 4 है, विषम भाज्य के बारे में मैंने बताया, सबसे 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, ये मैंने आपको बता दिया। 1 से लेकर 100 तक के बीच में कुल जो भाज्य है उनकी संख्या 74 है। आप देख पाएंगे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, यहाँ पे देख लीजिएगा ये पूरा टेबल है। यहाँ पे पूछ सकता है दो अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या 99, दो अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या 10, एक अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, एक अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या 9। इस तरह के सवाल भी परीक्षाओं में कई बार आ चुके हैं। किसी भी एग्जाम, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई है, पहले दूसरे तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर कम से इतना 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 निकट टिकट बेचे गए, इन 4 दिन बेचे गए टिकटों कुल संख्या ज्ञात के लिए, तो कुल संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जोड़ देंगे बस। तो इस तरह से यहां भी है, शेखर प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी और टेस्ट मैचों में अब तक इतने रन बना चुका है, 10,000 रन पूरे करने के लिए क्या करेंगे, 10,000 से घटा देंगे। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी इतने थे और उसके निकटतम प्रतिद्वंदी इतने थे, सब कितने मतों से जीता, इसमें से इतने सब्ट्रैक्ट घटा देंगे, ठीक है आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के सवाल आपको यहां बताने, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 285,891 रुपए की पुस्तकें बेची, इसी माह दूसरे सप्ताह में 4,768 रुपए की पुस्तकें बेची, दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, किस सप्ताह में बिक्री अधिक और किसमें अधिक और कितनी अधिक हुई, तो बस यही करना है, दोनों को पहले जोड़ लीजिए कुल निकल जाएगा, और किसमें ज्यादा हुई दोनों सब घटा दीजिएगा। तो यहां पर ये दवाइयों के बारे में दिया गया है, ये भी आप कर लेंगे भाई, अगर क्लास में रेगुलर है तो आप कर लेंगे, बाकी हम इसके जब हम एनसीईआरटी के सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। व्यापक नियम का प्रयोग करते हैं, प्रत्येक आकलन कीजिएगा, इसको क्या सन्निकट मान ज्ञात करना है, तो हम लोग जब इसके सेशन लेकर आएंगे तब हम लोग इसको पढ़ेंगे। देखिए 730 का निकटतम मान 700 हो जाएगा, मैंने पढ़ाया दहाई कंक से है, 5 से कम है तो 0 कर देंगे, 700 हो जाएगा 998, 5 से ज्यादा 9 है तो 10 कर देंगे उसको, तो हो जाएगा 1000, दोनों मिलाकर 1700 हो जाएगा, ठीक। 796 सन्निकट मान इसका 800 होगा, इसका 300 का 800 में 300 गया तो 500 हो जाएगा, ठीक। इस तरह आप सन्निकट मान निकाल सकते हैं, 12,000 हो जाएगा, यदि लगभग 3,000 हो जाएगा तो 13,000 में से 3,000 गया, दौड़ना है ना, अच्छा जोड़, 16,000 हो गया, बस तो सन्निकट मान का तरीका हो गया, ये हमने आपको पढ़ाया है। इसके बाद एनसीईआरटी का सोल्यूशन आ गया, सोल्यूशन वाली सीरीज को हम आगे पढ़ेंगे। तो सन्निकट मान मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर मैंने चीजों को जब मैं पढ़ाया हूं तो उम्मीद करता हूं कि आप यहां से सवाल गलत नहीं करेंगे। इस वीडियो को सभी लोग शेयर करिएगा, टेलीग्राम पर अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ सकते हैं, जहां पे सभी क्लास की नोट्स लिंक वीडियो आपको फ्री मिलती रहती है। ई-लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको 6 से लेकर 12 तक की सभी नोट्स एनसीईआरटी की पढ़ने के लिए मिल जाती है, जहां पर मैं स्वयं 6 से 12 तक की सभी एनसीईआरटी हिंदी और अंग्रेजी मीडियम में पढ़ता हूं, मुझे भी जब मौका मिलता है मैं पढ़ लेता हूं, और ये निःशुल्क क्लास है मेरे द्वारा, मैं एज ए गेस्ट के रूप में, मुझे जो बचा हुआ समय होता है उसके लिए मैं आपके लिए ये सीरीज लेकर आया हूँ, और आप इसे किसी भी जगह देख सकते हैं, कहीं भी शेयर कर सकते हैं। और ई-लर्निंग विद दुर्गेश के अगर नोट चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जाकर ले, ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है, ठीक है। आप सभी लोग अपने मित्रों को साझा कर सकते हैं वीडियो को, वीडियो यूट्यूब पर देख रहे शेयर करिएगा, वीडियो को फेसबुक पर देख रहे शेयर करिएगा, और कहीं भी देख रहे लाइक और फॉलो करिएगा, चैनल पर देख रहे यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके पैसे नहीं कटेंगे, लोगों तक पहुंचता रहेगा। बाकी अगर कोई प्रश्न कोई सवाल वीडियो में कमेंट करिएगा, इसका सलूशन की हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे, ताकि ये वीडियो काफी बड़ा हो जाता है। तो अगर आप कहेंगे सर मुझे सलूशन भी एनसीईआरटी का पढ़ना है, तो एनसीईआरटी के सलूशन की वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, जो डे बाय डे आपके लिए इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप चलता रहेगा। फिलहाल उम्मीद करते हैं आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो चुका है, और आपको इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, हम भी आपका साथ देते रहेंगे, क्योंकि रेस के कूड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, ठीक है। अगले लेसन में आपके साथ बढ़ते हैं, एनसीईआरटी की सीरीज इस तरह आपके लिए कंटिन्यू डे बाय डे चलता रहेगा, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद। हाँ, वीडियो को शेयर करिएगा जरूर से।
कोई सवाल समझ में ना, कोई टॉपिक समझ में नहीं है तो भी कमेंट करिएगा। प्रत्येक क्लास को पूरा पूरा देखिएगा, बेसिक गणित है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।